हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हमें ट्रैफिक में ड्राइव करना चाहिए। न्यू ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में कार को ले जाने में सीखने के बाद भी 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एक महीना से आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, उसके बाद भी 10 दिन आप ओपन स्पेस में चला लेते हैं, फिर भी आपको घबराहट होती है जब न्यू ड्राइवर्स जब इस सिचुएशन में ट्रैफिक में सिग्नल में इस कार में इतनी सारी कार्स के पास में ऐसी जगह में चलाने में बहुत घबराहट होती है उन्हें। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से हमें यहाँ पे ड्राइव करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको सबसे आपका क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कंट्रोल स्किल कंट्रोल तो उसमें सबसे ज़्यादा करने जरूरी है। तो इस वजह से क्या होता है, क्लच का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अचानक से जैसे कि अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ, मेरे को एकदम से ज़रूरत पड़ी थर्ड गियर लगाने की, तो मैंने थर्ड गियर भी लगाया और अब मूवमेंट कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी होती है, अभी आगे जाएंगे हो सकता है कार की स्पीड, आगे वाली कार जितनी भी है या ट्रैफिक है, स्पीड डाउन हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी भी स्पीड डाउन करनी पड़ेगी। इनिशियली क्या होता है, अभी देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा इनिशियली, क्योंकि जैसे ही कार आगे वाली थोड़ी सी कम होगी या स्लो डाउन होगी या नॉर्मल चल रही है तो मेरे को एक्सीलेटर से ही कंट्रोल करनी है अपनी कार। अब जैसे ही सिचुएशन ऐसी होगी कि एकदम मेरे को हो सकता है स्लो डाउन और स्लो डाउन करना पड़े, पहले तो हम एक्सीलेटर से कंट्रोल करेंगे और जब आगे पहुंचेंगे इसका आगे वाली जो ट्रैफिक है या कार है वो स्लो डाउन होती है तो हमें ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। थर्ड गियर में है तो इसलिए ब्रेक पहले प्रेस करेंगे उसके बाद क्लच प्रेस करेंगे, या फिर अगर एकदम पैनिक सिचुएशन वाली ब्रेकिंग करनी पड़ी तो हमें ब्रेक अप्लाई करते के साथ साथ क्लच प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए कार स्लो डाउन हो गई, मैं थर्ड गियर में हूँ, ब्रेक अप्लाई की मैंने, यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि कार सारी स्लो डाउन है, मेरे पास लेफ्ट में जगह है लेकिन टू व्हीलर्स पीछे से आ रहे हैं तो मैं लेफ्ट जाने से पहले ये देखूंगा कि मेरे पास लेफ्ट में जगह, मैं लेफ्ट टर्न ले सकता हूँ कि नहीं या लेफ्ट लेन चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, नॉर्मली मूव कर रहे हैं, मैंने स्लो डाउन कर लिया। देखिए अभी एक्सीलेटर रिलीज कर दिया, मेरी कार अपने आप स्लो डाउन होगी आगे वाली ट्रैफिक के हिसाब से। लेकिन ये तभी करें जब आप एक्सपर्ट हो जाए, थोड़े से एक्सपर्ट क्या थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाना सीख जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि आप स्लो डाउन सोचेंगे भाई एक्सीलेटर रिलीज करते हैं स्लो डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने अपनी डिस्टेंस भी जजमेंट रखना है, डिस्टेंस कितनी है वो भी ध्यान में रखना है। अभी देखिए आगे जो कार मूव हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। अब जैसे ही सिचुएशन होगी कि आगे पहुंचते ही, ये देखिए हल्का सा आगे पहुंचते ही मैं एक्सीलेटर रिलीज भी कर दूंगा तो भी मेरी कार और स्पीड में जा रही है उस तक, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो उस वजह से अभी देखिए अभी मैंने ना क्लच का यूज लिया ना ब्रेक अप्लाई की, जैसे आपसे कार मूव हो रही है उस हिसाब से मैं सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं थर्ड गियर में हूँ। थर्ड गियर में हल्की सी इंजन ब्रेकिंग भी होती है, अगर मैं एक्सीलेटर प्रेस करके रिलीज कर दूंगा, ये देखिए इंजन ब्रेकिंग होती है, कार लैग कर देगी थोड़ा सा मूव होते होते। अभी देखिए राइट साइड जाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट का जो लेन है हल्की सी ब्लॉक है ये बस की वजह से। तो ये देखिए मैं थर्ड गियर में ही कार की स्पीड जो है अराउंड 20 आ गई है। अब मेरे को क्या होगा, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना पड़ा, मैंने ब्रेक अभी भी अप्लाई नहीं किया, आपने नोटिस की होगी कार की स्पीड डाउन हो गई, उसके हिसाब से क्लच मैंने प्रेस किया और डाउन शिफ्ट कर दिया, स्पीड 20 अराउंड थी इसलिए सेकंड गियर लगाया, और अगर डाउन होती तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ता क्योंकि कार अगर कंप्लीट स्टॉप होती तब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, नहीं तो अगर कोई भी सिनेरियो कार हल्की सी भी मूव हो रही है तो आपने सेकंड गियर लगा के आप अपनी कार को पुल कर सकते हैं। वही चीज मैंने अभी की थर्ड गियर से था, जैसे ही कार की स्पीड 20 आई तो मूविंग हो रही थी इसलिए मैंने सेकंड गियर लगाया क्योंकि 20 की स्पीड में थर्ड गियर में नहीं चला सकता था, स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को गियर शिफ्ट करना था इसलिए मैंने क्लच प्रेस किया और ब्रेक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा उस सिचुएशन में। अभी फ्लाईओवर में था तो सिर्फ मैंने थर्ड गियर क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लगाया। तो यहाँ पे आपका क्या क्लच का यूज आपने नोटिस करना होगा, आप फुट मूवमेंट देखिए, स्टीयरिंग का यूज बहुत ही कम है, हल्का हल्का जहां जहां रोड टर्न हो रही है उस हिसाब से टर्न किए, नहीं तो आप देखिए स्टीयरिंग का यूज ही नहीं है मेरा। जब ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत जगह होता है या तो लेन चेंज करनी है या आपको टर्निंग लेनी है लेफ्ट या राइट, तब आपको स्टीयरिंग का सबसे ज्यादा यूज आता है, अदरवाइज आपका फुट मूवमेंट ही सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो उसमें घबराहट हो जाती है न्यू ड्राइवर्स को, पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल समझने होते हैं अपनी कार के। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, थर्ड गियर में हूँ अभी भी, मैंने 20 से अबव की स्पीड है, 20 अप्रॉक्स 30 है तो आराम से मैं देखिए एक्सीलेटर प्रेस करके मूव कर लूंगा। अभी भी ब्रेकिंग मैंने नहीं किया, फ्लाईओवर से उतरने के बाद भी क्लच तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया। यहाँ न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, क्लच प्रेस कर देते हैं, यहाँ हल्की सी कार ये जो लेफ्ट की तरफ आई थी मेरे आगे आ गई थी, यहाँ भी इस सिचुएशन में भी क्लच प्रेस कर देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, बड़े आराम से आप मूव कर सकते हैं बिना क्लच प्रेस किए। अभी आप देखिए थर्ड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये कार जो है एकदम से मेरे पास आई, मेरे को स्लो डाउन करना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेक अप्लाई करके और फुट मूवमेंट की है। अब सिचुएशन देखिए आगे सिग्नल है, ट्रैफिक जैम हो सकता है,
सिग्नल है तो सारी कार स्टॉप होंगी, फिर होगा कि सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें मूवमेंट करते समय ध्यान रखना होगा। देखिए ब्रेकिंग मैंने पहले से अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, जैसे ही पहुंचे क्लच ब्रेक दोनों प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया, अब मैं क्लच को रिलीज कर दूंगा। ये होता है सिचुएशन ट्रैफिक में जब हम क्लच को रिलीज करते हैं न्यूट्रल लगा के। रीजन यही है कि हमें फुट को, अगर मैं न्यूट्रल नहीं करूंगा गियर में लगा के रखूंगा तो मेरे को क्लच प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो बेफजूल में हम क्लच प्रेस करके रखेंगे तो हमें प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अपने फुट पे, लेफ्ट फुट पे, तो वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ये मूवमेंट है क्लच से, क्लच का यूज लिया मैंने, अब सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस हो गई थी, ये बस राइट की तरफ आ रही है। यहाँ सिचुएशन देखिए, जब स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो हमें कैसे यूज लेना चाहिए। अब मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट गियर में मेरे को लगा के आगे मूव करना पड़ेगा, स्लो स्लो मूविंग होगा तो फर्स्ट गियर में करेंगे। अभी मैं सेकंड गियर में लगा लिया, बड़े आराम से मूव कर रहे हैं और यहाँ सिचुएशन देखिए स्लो हो गया है। मैं डिस्टेंस रखा हूँ, देखिए आगे जो गाड़ी है राइट टर्न ले ली थी उस कार ने, और ये ट्रक के पीछे हूँ मैं, तो मैंने वही डिस्टेंस रखा है, एक कार का डिस्टेंस मैंने रख के रखा है। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर न्यू ड्राइवर हैं तो आपने ये डिस्टेंस रख के मेंटेन करके रखेंगे तो सेफ डिस्टेंस होगा, आपको स्पेस मिल जाएगी या रिएक्ट करने के लिए ब्रेक करनी है, क्लच प्रेस करना है। ये बस मेरी से लेफ्ट से ओवरटेक लेना चाह रही है, हम आगे बढ़ा लेंगे। ये थर्ड गियर मैंने लगा लिया है, कम्प्लीटली राइट आ गए हम। ये देखिए कार स्टॉप है ऑलमोस्ट, ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है, राइट लेन में कम्प्लीटली स्टॉप होके चल रहे हैं, ऑलमोस्ट आप समझिए 20 की स्पीड में चल रहे हैं ये। ये मैं 60 की स्पीड में था, दूर से देखता हूँ तो ये एकदम से जैसे ही ओवरटेक किया मैंने तो ये देखा तो एकदम स्टॉप था। ये घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, और ऐसा रोड पे कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी नॉनसेंस थी। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब हम क्लच और ब्रेक का यूज लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा किस तरह से क्लच और ब्रेक का यूज लिया हमने। अभी आगे चलेंगे, हो सकता है हमें ट्रैफिक मिले, उसमें आप अगर बम्बर टू बम्बर काइंड ऑफ ट्रैफिक होगा, स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, तो उसमें हमारा क्लच का यूज किस तरह से होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ से राइट टर्न लेंगे, तो अभी ये देखिए सिचुएशन फोर्थ गियर में हूँ मैं, ब्रेक अप्लाई पहले किया मैंने इंजन ब्रेकिंग के हिसाब से, क्लच प्रेस किया, अब मैं फर्स्ट गियर लगा लूंगा क्योंकि हो सकता है अभी सिग्नल ग्रीन मिल जाए मेरे को। अभी मैं फर्स्ट गियर लगा के रखा हूँ, मैं न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दूंगा, ये इसलिए मैंने कि अभी देखिए वापस से सिग्नल ग्रीन हो गया राइट टर्न के लिए, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मैं मूवमेंट करूंगा। ये सिचुएशन देखिए क्लच को रिलीज कैसे करना है, बाइटिंग पॉइंट तक हल्का सा रिलीज करेंगे, फिर जैसे ही मेरी कार में मूवमेंट आएगी फिर फुल रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, ट्रैफिक इन द सेंस स्लो मूविंग ट्रैफिक लाइट वाला सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे दो चार गाड़ी की वेट करती है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है, तो उसमें हमें सिचुएशन देखते हुए अपनी कार को आगे मूव करना है। तो अभी यहाँ सिचुएशन देखिए आप किस तरह से मैं ड्राइव करने वाला हूँ, यहाँ ओपन स्पेस है, मैंने थर्ड गियर लगा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से मूव कर रहे हैं, आगे मेरे को सिग्नल फिर से दिख रहा है, कुछ स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा। और अगर मेरे को ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जिसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हमें फर्स्ट गियर में मूवमेंट करना होता है। अभी ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो मैं बड़े आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ, फोर्थ गियर लगा लिया है मैंने और सिचुएशन देखते हुए आगे हम बढ़ा रहे हैं कार। रोड थोड़ा सा ख़राब है तो मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ, इनफैक्ट आगे वाली कार थी उन्होंने भी बहुत स्लो करके मूव किया था, हमें भी उस सिचुएशन को वैसे हैंडल करना है। सिग्नल रेड तो है लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं है, नॉर्मल सिग्नल है, तो यहाँ पे मूवमेंट हम अकॉर्डिंगली करेंगे। अभी ये सिचुएशन देखिए, यहाँ से स्पेस है, हम अपनी कार को निकालने वाले हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम मूवमेंट करेंगे अपनी कार में। न्यूट्रल करके मैंने क्लच रिलीज कर दिया है, अब आगे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें फर्स्ट गियर में स्लोली मूव करना पड़े। यूजुअली क्या होता है ट्रैफिक सिग्नल में, जब आप आगे की तरफ होते हैं इनिशियली फर्स्ट एकदम फर्स्ट में होते हैं तो न्यू ड्राइवर्स को घबराहट इस वजह से हो जाती है कि आप जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना और फिर मूवमेंट करना, अगर थोड़ी सी भी डिले होती है इसमें तो पीछे से क्या हॉर्न लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रीन सिग्नल होते ही आप समझ लीजिए दूर से ही हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता है। रीजन पता नहीं क्या है, साइकोलॉजिकल है ये इशू, क्योंकि आप ग्रीन सिग्नल होते ही आगे वाली सिग्नल ग्रीन होते ही अगर आगे वाली कार मूव करेगी उसके पीछे वाली कार मूव करेगी कम से कम 4 से 5 सेकंड लगेंगे, तब जाके पीछे जो लाइन लगी 8-10 कार के बाद वहां स्लोली मूवमेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ सिचुएशन देखिए मैं कैसे मूव करूंगा, ये ट्रक टैंकर जो है
राइट की तरफ आएगा तो मेरे पास स्पेस नहीं होगी, तो मैं किस तरह से मूव करूंगा, ये देखिए क्लच मैंने प्रेस करके रखा है, रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मूवमेंट इस तरह से होगा, और जरूरत पड़ने पे मैं ब्रेकिंग भी करूंगा। तो इस सिचुएशन पे, ऐसी सिचुएशन पे जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, या इस तरह से अभी जब सिचुएशन अराइज हुई थी, मैं आगे गया लेकिन मेरे पास राइट टर्न लेने की स्पेस नहीं थी, क्योंकि ये भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर है राइट की तरफ आ रहा था, तो स्पेस नहीं होने से क्या होता है, मैंने फर्स्ट गियर में जिस हिसाब से मूवमेंट किया, वैसा ही मूवमेंट हमारा ट्रैफिक में भी होता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक में, या आप कह सकते हैं जब हम बम्पर टू बम्पर स्टॉप गो वाले ट्रैफिक में होते हैं, तब भी वो सिचुएशन अराइज होता है जैसा अभी वहाँ हुआ था। तो वो बहुत रेयर होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा डेंस ट्रैफिक वाली लोकेशन में जाते हैं वहाँ पे ये सिचुएशन होती है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ओपन स्पेस जो रनिंग रोड होता है उसमें बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है, वो सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। अभी आप देखिए मैं थर्ड गियर में बड़े आराम से मूव कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी आप समझ लीजिए कि क्लच की यूज़ ज़्यादा लेने की नीड नहीं पड़ी है, बड़े आराम से मूवमेंट हो रही है, सिर्फ मैं गियर शिफ्टिंग का शिफ्टिंग के हिसाब से क्लच को प्रेस कर रहा हूँ, कार को कंट्रोल करने के लिए मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी है अभी बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक या दो बार जगह मिली थी वहाँ पे मैंने की है। और आप सिचुएशन देखिए, आगे जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास ओपन स्पेस दिखा, मेरे को स्पीड हल्की सी इंक्रीज करनी थी, तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, गियर शिफ्ट किया और अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। ये सारा कंडीशन होता है जब हम क्लच का यूज लेते हैं, न्यू ड्राइवर्स थोड़े से घबराते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये आप ऑफिस आवर्स प्रैक्टिस मत करिए, ऑफिस आवर्स में अगर आप करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा डेंस ट्रैफिक होता है, ये आप आफ्टरनून में करिए या अर्ली मॉर्निंग वाले सिचुएशन में करिए, तो आपको ये घबराहट नहीं होगी और बड़े आराम से आप अपनी कार को ड्राइव कर सकेंगे। तो कहीं पे भी आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं या पैनिक सिचुएशन होती है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका क्लच का यूज़ कैसा है। क्लच का यूज़ बहुत अच्छा तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मूवमेंट में, अभी आप देखिए ब्रेक अप्लाई की, मैंने फोर्थ गियर में हूँ, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन करते जा रहा हूँ, अभी सिचुएशन आगे देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, तो ट्रैफिक जैम नहीं बोल सकते, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, उसमें हम कैसे ड्राइव करते हैं, अब आपको मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है, सिग्नल ग्रीन है आगे के लिए, लेकिन ट्रैफिक स्लोली चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, स्लो मूविंग करना पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए ओपन स्पेस हो गया, अभी हल्की सी मूवमेंट करेंगे हम, ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो सिचुएशन आप देखिए आगे मूवमेंट हो रही है, थर्ड गियर भी लगा लिया है, लेकिन अभी ये देखिए फिर ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, कार स्लो डाउन हो गई, बिलो 20 आ गई, तो मैं क्या किया हूँ, सेकंड गियर लगा लिया, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए गैप क्रिएट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा स्पीड लेंगे, फिर थर्ड गियर लगा लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। फिर से आपने नोटिस किया क्लच का यूज आया था, अभी यहाँ देखिए ये स्लो मूविंग है, राइट साइड में ट्रक है, तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा राइट की तरफ किया, ट्रक को रिलीज किया, आगे की तरफ जाने दिया, उसके हल्का सा राइट टर्न लिया, फिर राइट की तरफ गया, लेन हल्की सी चेंज किया। अभी देखिए यहाँ सिचुएशन, मेरे पास पीछे से कार आ रही है, पैनिक सिचुएशन आ गया है, और क्या प्रॉब्लम है,
तो अभी देखिए ट्रैफिक जैम है, स्लो मूविंग करेंगे, क्लच का यूज देखिए आप किस तरह से मैं करने वाला हूँ। ये फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगा लिया, क्योंकि मेरे का मूवमेंट आपने नोटिस किया कि आगे ये बस स्लोली मूव हुई, तो मैंने क्या किया, क्लच का यूज लिया, सेकंड गियर लगाया। अभी देखिए 20 के अराउंड की स्पीड है, बड़े आराम से मूवमेंट कर रहे हैं हम। ये देखिए क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाएंगे अब हम, क्योंकि स्लो हो गई थी कार, कम्प्लीटली स्टॉप हो गई थी ऑलमोस्ट, आगे वाली बस जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो गई थी, उसके हिसाब से हम सिचुएशन देख रहे हैं। ये देखिए ये कम्प्लीट स्टॉप है, तो हम सेकंड गियर लगाएंगे और मूवमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली। अभी देखिए मेरे पास स्पेस हो गया, मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ। अब ये बस के पीछे क्या है, स्लोली मूव करेंगे। अभी हम थर्ड गियर लगा लिया मैंने, मेरे पास स्पेस है, मैं राइट जा सकता हूँ और स्पेस देखते हुए मैं राइट जाऊंगा। और कंडीशन ये देखिए, ये स्पेस देखी मैंने, राइट टर्न लिया और फिर अपना फोर्थ गियर लगा के मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये कंडीशन हो जाती है जब हम न्यू ड्राइवर्स जब ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करते हैं, हमें सिचुएशन देखते हुए ड्राइव करनी होती है। और कंडीशन ऐसी होती है कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपका क्लच का यूज, ब्रेक, एक्सीलेटर सब कंट्रोल करते हुए अपनी कार को यूज करना है और अकॉर्डिंगली अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए यहाँ सिग्नल रेड हो गया है, कम्प्लीटली स्टॉप कर लेंगे, यहाँ कम्प्लीट स्टॉप करेंगे। ये देखिए ये सिचुएशन कैसे है, मैंने पहले ब्रेकिंग अप्लाई की, फिर क्लच प्रेस किया और फिर मूवमेंट करेंगे। ये देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया है, सिग्नल ग्रीन होने से हमारा क्या है कि हमें ये देखिए फर्स्ट गियर लगा के हम रख सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को। जैसे हम कंप्लीट स्टॉप में है तो हमें ग्रीन सिग्नल दूर से दिख गया है, 3-4 सेकंड का टाइमर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगा के क्लच प्रेस करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइमर दिख रहा है 30 सेकंड से ज्यादा है, तो आप न्यूट्रल कर लें, क्लच को रिलीज कर दें। इस सिचुएशन में आपने अपनी कार का मूवमेंट अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को अकॉर्डिंगली। अभी आप देखिए मैं थर्ड गियर लगा लिया हूँ, 30+ की स्पीड है, मेरी कार मूव हो रही है। और अकॉर्डिंगली अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही सिचुएशन अराइज होगी कंट्रोल करना होगा, स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा, ब्रेक अप्लाई करूंगा और स्लो डाउन करूंगा अपनी कार को। लेकिन सिचुएशन देखते हुए अभी आगे टैंकर चल रहा है, तो मैं क्या किया, फोर्थ गियर लगाया हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो हमारा कार का कंट्रोल इस तरह से ही चलेगा। अभी देखिए राइट लेन में जगह है लेकिन पीछे से कार आ रही है, तो मैं लेन चेंज अभी नहीं कर सकता हूँ, इंडिकेटर देना भी गलत होगा, क्योंकि पीछे से जो स्पीड में कार आ रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर पीछे लाइन लग जाएगी। तो आपने ये सेंस होना बहुत जरूरी है। अभी कंडीशन देखते हुए हमारा मूवमेंट होता है क्लच और ब्रेक का। अभी मैंने राइट टर्न लेने के लिए इंडिकेटर दे दिया है, अकॉर्डिंगली फिर हम मूव करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।